एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में जॉन अपनी बेटी पतलू के साथ रहा करती थी। जॉन बस ये चाहती थी कि किसी अच्छे से घर में पतलू की शादी हो जाए और वो इस बोझ से हल्की हो जाए। माँ, तुम मेरी शादी तो करना चाहती हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, मैं किसी बहुत अमीर कबीर, बहुत हैंडसम और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे से ही शादी करूँगी। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। तू ऊपर वाले से प्रार्थना किया कर कि तुझे इज्जत देने वाला मुखलिस पति मिले। ये अमीरी वमीरी में कुछ नहीं रखा। नहीं माँ, मैं किसी फटीचर से शादी नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ मेरे पास 4-5 गाड़ियाँ हों, 2-4 बंगले हों, बैंक बैलेंस हो। बेटा, जब मेरी शादी तेरे पिता से हुई थी तब वो बहुत अमीर थे, लेकिन अब देखो हमारा क्या हाल है। इसीलिए कहती हूँ कि ऊपर वाले से प्रार्थना किया करो। पतलू अपनी बात पर शर्मिंदा हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद पतलू की शादी मोटू नाम के लड़के से हो जाती है। मोटू पतलू से बहुत प्रेम करता था। मोटू बहुत ज़्यादा काबिल और मॉडर्न पुलिस वाला था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भी था क्योंकि वो गांव की लड़की नायरा को पसंद किया करता था। जल्दी वो नायरा से शादी भी कर लेता है। नायरा और मोटू दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन मोटू की माँ जॉन ये चाहती थी कि उसकी बहू शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न हो, लेकिन उसका ये सपना चकनाचूर हो जाता है जब मोटू नायरा नाम की देहाती लड़की से शादी करके आता है। नायरा अपनी सास के लिए खाना बना रही थी कि इतनी देर में गैस चली जाती है। नायरा परेशान हो जाती है कि अब तो उसकी वाट लग जाएगी, वो पहले ही अपनी सास को पसंद नहीं है। अरे ओ नायरा, सुबह से बैठी हूँ खाने का इंतजार करती, हवा खाऊंगी आज क्या मैं, सुबह से घुसी हो किचन में तुम। नायरा भी अपना दिमाग लड़ाती है और अपनी सास की महंगी इस्त्री लेकर उस पर रोटियां बनाने लगती है। जब जॉन ये सब देखती है तो बस वो अपना सर पकड़ कर रह जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और जॉन से मिलने उसकी बेटी पतलू आती है। एक दिन उसके मोबाइल पर नायरा से चटनी गिर जाती है। नायरा चुपके से वो मोबाइल ले जाती है और सर्फ वाले पानी में खूब रगड़ रगड़ कर उसकी धुलाई करती है। अच्छे तरीके से मोबाइल धोकर वो अपनी ननद के पास आती है। अरे पतलू दीदी, आपके मोबाइल पे चटनी गिर गई थी, मैंने बड़े अच्छे से इसे साफ कर दिया है। 3 से 4 बार मैंने इसे पानी से धोया, आप देखो कैसे एकदम चकाचक हो गया है। पतलू बेचारी अपना सर पकड़ लेती है। ऐसे ही इस वक्त का पहिया चलता रहता है और जॉन अपनी बेटी पतलू के घर उससे मिलने जाती है। अरे पतलू बेटी, इस कवार नायरा ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, बड़ी उल्टी सीधी हरकतें करती है। अरे बेटी, कुछ भी कर, इस नायरा से मेरी जान छुड़ा। मैं तो चाहती हूँ तेरे भाई की शादी एक मॉडर्न लड़की से हो जाए। ये काम तो जॉन जी और मेरी फ्रेंड उर्फी ही कर सकती है क्योंकि वो बहुत मॉडर्न और चालाक है। पतलू उर्फी को घर बुलाती है और उर्फी को सारी बात समझा देती है कि कैसे उर्फी को मोटू पर डोरे डालने हैं। और कुछ ही दिनों बाद पतलू उर्फी को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है और वहाँ जाकर ये कहती है कि इसके माता पिता दूसरे शहर गए हुए हैं, इसीलिए कुछ दिन यहाँ पर ही रहेगी। उर्फी आते ही मोटू पर अपने डोरे डालने लगती है और मोटू से चीज़ें ऐंठने लगती है। एक दिन उर्फी बाहर जाती है तो नायरा उसका पीछा करती है। जॉन, मैं अच्छी तरीके से मोटू को अपनी बातों के जाल में फंसा चुकी हूँ। वो जल्दी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा, फिर हम दोनों यहाँ से फुर हो जाएंगे। ये पतलू जाहिल कवार क्या समझती है कि मैं उसकी दोस्त हूँ और उसने मुझे नायरा की सौतन बनने के लिए भेजा है। उसे नहीं पता कि मैं खुद उसकी ही सौतन बनूंगी। जब नायरा ये बात पतलू को बताती है और पतलू भी यकीन कर लेती है, तब पतलू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफ़ी मांगती है। तब नायरा भी अच्छी भाभी बनते हुए पतलू को माफ़ कर देती है और दोनों गले लगकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।